दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि देखिए, शाम हो चुकी है। हमारे यहाँ का शाम का व्यू, और यहाँ ये घर में ना गृह प्रवेश हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया हुआ है। रुके दिखाती हूँ मैं थोड़ा जूम करके। देखिए, हमारे घर से थोड़ा ही दूर है वो, थोड़ा मैं ऊपर हूँ ना 9th फ्लोर पे, इसलिए दूर दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाया हुआ है, और आज गृह प्रवेश है यहाँ पे। और शाम होते ही सबके बच्चों की यही डिमांड होती है कि मम्मी क्या बना, क्या बना रही हो आप। और शाम होते अब हम भी टेंशन में रहते हैं कि शाम को क्या चीज़ बनाएं इनके लिए, कुछ नया नया। तो मेरे बच्चे देखिए, जैसा कि देखिए, शाम को मेरे मंदिर में दिया बत्ती भी हो गया है। और शाम का टाइम होता है तो सबके बच्चों का यही डिमांड होता है, मम्मी क्या बना रही हो। तो मेरे बच्चे अभी किचन में ही खड़े हुए हैं दोनों, सब वेट कर रहे हैं मम्मी क्या बना। अब मैं दिन भर से यही सोच रही थी कि आज इनके लिए बनाऊं क्या, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ इनको शाम को बनाना ही होता है। तो मैं बनाऊं क्या, मैं सोच सोच के परेशान हो गई कि ठीक है, मैंने बहुत देर तक सोचा कि आज मैं ना इनके लिए कुछ ऐसा नया चीज बनाऊंगी कि बच्चे भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। और देखिए, मेरे बच्चे ऐसे ही शैतानी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, भूखों को खिला रहे हैं ऐसे ही। तो चलिए, वीडियो में लंबा नहीं करती हूँ ज़्यादा, वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। मैंने आलू को उबाल लिया। मैंने 3 आलू लिया था, मैंने बीच बीच से कट कर दिया क्योंकि बड़ा बड़ा आलू था तो उबल नहीं रहा था जल्दी। यह है मैंने पानी, पानी मेरा उबल रहा है। और इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च, डालूँगी मैं टेस्ट के बराबर नमक, और इसमें हम डालेंगे सूजी, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मैदा। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। डालूंगी थोड़ा सा तेल, इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। यहाँ देखिए, मेरे बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं, और यहाँ आलू को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है और बर्दाश्त हो नहीं रहा है इन लोगों से। तो कुछ हेल्प वेल्प नहीं कर रहे मेरी, ये इनको ना एक एक ठो कांड करना रहता है तो इसलिए ये लोग आते हैं। वैसे कर तो दिया मेरा एक काम। अच्छा तो हो गया। यहाँ जो हमारा सूजी है उसको मैं आलू में डाल दे रही हूँ। लिया है मैंने जीरा, और जीरा को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके डाल दिया है मैंने इसमें, और इसमें लिया है मैंने कसूरी मेथी, ये वाला है कसूरी मेथी, हाथ से मिक्स करके दोनों हाथों से कसूरी मेथी। मीच के क्यों डालती हूँ, इससे टेस्ट आएगा अच्छा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा और लाल मिर्च, और अपना इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरा। बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। और यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें तेल, 1 चम्मच तेल डाला है मैंने ताकि चिपके ना हाथ में। ये समोसे का बाहर वाला है। ये समोसा नहीं है। फिर आपने तो बोला था समोसा बनाओ। समोसा सोचा था, फिर मैंने सोचा नहीं आज कुछ नया बनाऊंगी। क्या है फिर ये? बहुत अच्छा है, समोसे से भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ मेरा आटा तैयार हो गया है, यहाँ पे मैं इसका गोला गोला बना लेती हूँ चकई जैसा। और इसमें लगा लिया मैंने तेल,
और इसको बेल लेते हैं। थोड़ा मोटा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना है। और इसको हम कट कर लेते हैं। और यहाँ से अब हमारा एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ हम पलट लेते हैं इसको। यहाँ मेरा एक साइड से पक गया, दूसरी साइड मैंने पलट दिया है। थोड़ा सा मैंने ना बॉल जैसा बना दिया है ताकि बच्चों को ना जितना तरीके से बना के देंगे उतना अच्छा लगेगा, और जितनी जिस शेप में आप चाहिए उस शेप में बना सकते हैं इसको। तो यहाँ मेरा अभी पक नहीं वाला है, पका नहीं है अभी, थोड़ा और इसको लाल कलर का कर लेंगे, उसके बाद में इसको निकालेंगे। तो यहाँ हमारा बनके तैयार हो गया है। ये वाला मैंने बोला था, ये वाला बेटे का डिमांड था, मम्मी ऐसा बना थोड़ा बॉल जैसा। तो आज ना मैंने बहुत सारा नाश्ता बनाया है, तो अभी आप लोग को मैं दिखाती हूँ। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और रेसिपी लेके आऊँगी। तो मैं कब से किचन में खड़ी हूँ तो आप लोग को पता ही है, जैसा कि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो ये रहा आज का मेरा नाश्ता, मैंने कितना सारा नाश्ता बनाया है ये, और ये मठरी बनाया है, और ये ना देखिए कितना कुरकुरा हुआ है, ये मैदे का बनाया है मैंने। तो किसको किसको रेसिपी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना हुआ है, कुरकुरा और सॉफ्ट दोनों है। तो इसको हम खाएँगे सॉस के साथ में। तो आज इतना सारा नाश्ता बनाया मैंने इन लोग की डिमांड पर, और ना कब से मैं किचन में ही खड़ी हुई हूँ। तो फिर चलते हैं, पूछते हैं सबसे कैसा लग रहा है सबको। यहाँ बन गया है नाश्ता और सब अपना खूब बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। बना प्रजो खुश हो गए ना? हाँ हाँ, देखा मैंने बोला था कुछ हटके अलग है। वो बुबू का है ना, ये वाला मैंने बोला था बनाने को आपको, पर ये मस्त है। कौन सा वाला? सभी अच्छा है, मजा आ गया। माने मना आहा।